तो आज का जो टॉपिक है वीगार्ड गीजर इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो आपके घरों में आप खुद से ही गीजर को इंस्टॉलेशन करना आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम संतोष, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू। तो दोस्तों देखिए वीगार्ड कंपनी का गीजर है जो कि 15 लीटर का। क्या है कि यहाँ पे ब्लू वाल्व आपका पानी जाने वाला है जो इन है दोस्तों, और रेड वाल्व में गर्म पानी निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये इनलेट और आउटलेट है, और ये है रेगुलेटर दोस्तों, जो कि आप इसमें टेम्परेचर को हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं जल्दी पानी गर्म करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच भी है, ठीक है। आप यहाँ पे इंडिकेटर भी जलेगा जो कि रेड और ग्रीन जलेगा, ठीक है। ये वीगार्ड कंपनी का गीजर है जो कि 15 लीटर का है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस गीजर को इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये गीजर है वहाँ पे एक हैंगर लगा है, ठीक है। यहाँ पे एक हैंगर को आपको मेजरमेंट करना है, और यहाँ पे इसको मार्किंग करके मेजरमेंट करके आपको यहाँ पे लेके जाना है दीवार पे, इसको एक निशान बनाना है दीवार पे, ठीक है। तो उस निशान को आपको ड्रिलिंग करना है इस तरह से, देखिए दोस्तों यहाँ पर मार्किंग करके यहाँ पे निशान बना के आप इसको ड्रिलिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे गीजर को हम इंस्टॉलेशन करेंगे, इससे पहले हमारा जो ड्रिल है उसको ड्रिलिंग कर लेंगे, और ड्रिल का जो ड्रिल साइज है आप एटीन लगा सकते हैं या फिर 10 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए हमको यहाँ पे जो फासनर मिलता है गीजर में, जो फासनर को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, उस फासनर को भी आपको लोगों को दिखा देना, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले हमारे चैनल को अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो दोस्तों ये बड़ा फासनर को आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे दिए थोड़ा के बीच से इसको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे अंदर पे डाल दीजिए, और यहाँ पे आप प्लास से या फिर पाना है तो आपके पास पाना से भी टच कर सकते हैं, और उसके बाद इसको हैंगिंग कर देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको यहाँ पे टाइट होना चाहिए, लूज छोड़ देंगे तो फिर आपका गीजर जो है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पाइप को आपको लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये है वाटर पाइप, तो दोस्तों इस पाइप को यहाँ पे डालने के लिए आपको टेप डालना है, जो आपका इसको टेप्लन टेप बोलते हैं, उसको डाल के यहाँ पे इस भाल्व को लगाना है। तो दोस्तों इस भाल्व को आप ब्लू भाल्व पे लगाइए, ठीक है, जो ब्लू इनलेट है उसमें इसको लगाइए, ठीक है। तो दोस्तों इसको जल्दी से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों इसको लगाने के बाद दोस्तों हम इसका जो पाइप है वो भी इंस्टॉल करेंगे, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, और वीडियो को जरूर लाइक यूज़ करना है। अगर यहाँ पे टेप्लन टेप नहीं देंगे तो भी आपका जो पानी है वो लीकेज हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जाने वाला पानी है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ठंडा पानी है वो प्रेशर दे के जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको टेप्लन टेप का यूज़ करना है, ठीक है। तो इससे आप यहाँ पे पानी को रोक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेप्लन टेप लगा के इसको जल्दी से टाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम आउटलेट का पाइप को लगाएंगे दोस्तों। नीचे में जो हमारा टेप है उसमें हमारा जो पानी जाने वाला टेप है उसको भी हम टेप्लन टेप से इसको लगा देंगे, और उसको भी हमारा जो पाइप है उसको भी अटैच करके लगा देंगे, ठीक है। तो इसको भी जल्दी से टाइट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो इनलेट पाइप है वो कंप्लीट हो गया, अब आउटलेट पाइप को टेप्लन टेप लगाएंगे, या फिर नहीं लगाने से भी चलता है दोस्तों, आप लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते। टेम्परेचर है वो हीट सिंक का जो परसेंट है वो 70% है, इसमें पाइप में लिखा रहता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस वाला पाइप को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्टील पाइप लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो स्प्रिंग वाला होता है वो वाला पाइप। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो वाटर हीटर है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है, जो गीजर है। तो दोस्तों यहाँ भी हम पावर प्लग को लगाएंगे, तो दोस्तों पावर प्लग को लगाने के लिए हमारे पास सॉकेट नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे चेक करने के लिए नॉर्मल यहाँ पे लगा दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसको सप्लाई देते हैं और यहाँ पे इसको ऑन करेंगे। तो दोस्तों ऑन करने से पहले आपको क्या करना है, जो आपका इनलेट है वो आपको पाइप खोल देना है, और यहाँ पे पानी को फुल कर देना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो नीचे वाला वाल्व है जहाँ पे आपका जो गर्म पानी निकलेगा उसको खोल देना है, यहाँ पे पानी आना चाहिए, उसके बाद इसको ऑन करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने ऑन कर दिया हूँ पानी को भर के। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस टेम्परेचर को जो सेट है आपके जरूरत के हिसाब से इसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अगर जल्दी से गर्म करना चाहते हैं आप मैक्स को कर सकते हैं, अगर 15 मिनट में गर्म करना चाहते हैं तो आपको मीडियम में रखना है, और जल्दी से आपको 10 मिनट में गर्म करना है तो आपको
मैक्स कर देना, ठीक है। इसको खोलेंगे और यहाँ पे इस टैंक को बहुत भर देंगे और यहाँ पे गर्म पानी निकलेगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे में एक टैप लगा है जो वाटर टैप है, निकलेगा उसको खोलेगा और यहाँ पे गर्म पानी आ जाएगा। तो दोस्तों गर्म पानी आ चुका है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत। वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइए दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।